कैमरामैन आपको दिखाएंगे, राहुल और टेंको को जीप में ले जाया जा रहा है, जीप में ले जाया जा रहा है, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है और कार्यकर्ता थोड़ा उत्तेजित हो गए हैं। देख सकते हैं मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि जीप में बिठा के प्रियंका और राहुल को ले जाया जा रहा है। यहाँ से देख सकते हैं कि पूरा कार्यकर्ताओं ने घेरा बेशक बना लिया हो, लेकिन यहाँ से दोनों को हटाया जा रहा है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि पूरा हलचल हो गया, क्योंकि बार बार उनसे बात की जा रही थी कि यहाँ से आप हट जाइए, और मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं अश्विनी केहलन की कैसे उनको हटा दिया गया फाइनली। लेकिन कुछ कार्यकर्ता जीप के ऊपर भी चढ़ गए हैं, कुछ कार्यकर्ता जीप पे भी चढ़ गए हैं, देख सकते हैं कि कार्यकर्ता जीप पे चढ़ गए हैं, रोहित कार्यकर्ता जीप के ऊपर चढ़ गए हैं जिसमें राहुल और प्रियंका को बिठाया जा रहा है, और देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया है उस जीप के ऊपर, जिस जीप में राहुल और प्रियंका को ले जा रहा है, और पुलिस के लिए स्थिति बड़ी संभालनी बहुत मुश्किल हो गई है। देख सकते हैं कि पूरा जीप में राहुल और प्रियंका को हटा दिया और कार्यकर्ता जीप को कैसे घेर के खड़े हो गए और जीप के ऊपर चढ़ गए हैं, ये स्थिति हो गई है पुलिस के लिए। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, नारेबाजी शुरू हो गई है, लेकिन राहुल अशोक अपने दर्शकों को बता दें कि जिस गाड़ी के ऊपर कांग्रेस कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं उसी गाड़ी में राहुल और प्रियंका को बिठाया गया है। उन दोनों को वहां से ले जाने की कोशिश उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता गाड़ी को घेर चुके हैं, गाड़ी के ऊपर चढ़कर नारेबाजी कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। इस पुलिस जीप को आगे जाने नहीं दिया जा रहा, जिस पुलिस जीप में यूपी पुलिस ने राहुल और प्रियंका को बैठा लिया था कि इन दोनों को यहां से अब हटा लिया जाए ताकि स्थिति को काबू किया जा सके। पिछली काफी देर से यहां पर यह ड्रामा चल रहा है, राजनीतिक घटनाक्रम काफी गर्म है। इस वक्त राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों हाथरस जाने के लिए निकले थे पूरे काफिले के साथ लाल लश्कर को लेकर, लेकिन उन्हें यूपी पुलिस ने रोक लिया और अब दोनों नेताओं को हिरासत में लेकर जीप में बैठाकर वहां से ले जाने की कोशिश यूपी पुलिस कर रही है। लेकिन पुलिस की गाड़ी में, जिस गाड़ी में बैठाया गया उन दोनों को, उस गाड़ी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से घेर लिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उस गाड़ी के ऊपर चढ़ चुके हैं, नारेबाजी लगातार वहां पर हो रही है। हमारे सहयोगी अशोक सिंघल वहां से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अशोक, जा रहे थे तो कोई डिसोबीडियंस नहीं था, बड़ा दुर्भाग्य है। उत्तर प्रदेश में किसी पीड़ित के जख्म पे मलम लगाना भी यहाँ अपराध हो गया है। देख सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा का साफ तौर से कहने कि इनको अरेस्ट कर लिया गया है, राहुल और प्रियंका को, और अरेस्ट करके पुलिस वहां ले जा रही है। लेकिन देख सकते हैं कार्यकर्ता जीप पे चढ़े हुए हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, गाड़ी को मूव नहीं करने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये स्थिति है, और पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, देख सकते हैं पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है, रोहित पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे पूरा लाठीचार्ज शुरू कर दिया कार्यकर्ता को हटाने के लिए, ये स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है और यहाँ से कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है। जीप आगे मूव नहीं कर दी गई। लव कुमार जी, अरेस्ट कर लिया गया है दोनों को। लव कुमार जी, देख सकते हैं जी पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, रोहित मेरे कैमरामैन दिखाएंगे पूरा, ये स्थिति बनी हुई है, और ले गए हैं जीप, राहुल और प्रियंका को ले जाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा भी साथ में है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे जरा, देख सकते हैं कि आगे फिर कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि किस ढंग से पूरे जीप को नहीं मूव करने दिया जा रहा। रोहित मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जीप को नहीं मूव करने दिया जा रहा, चारों तरफ से कार्यकर्ता खड़े हैं। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इस वक्त पूरा घटनाक्रम यहां पर राजनीतिक काफी उबल रहा है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया है यूपी पुलिस ने, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है और हिरासत में लेकर पुलिस उनको वहां से ले जाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उस जीप का रास्ता रोक लिया। जमीन पर लेट गए कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क के बीचों बीच और रोक लिया गया है। ये देखिए इस वक्त की स्थिति है, लाठियां चलाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने, कुछ कार्यकर्ता गिरे भी हैं, ऐसा लगता है चोटें लगी हैं कुछ लोगों को। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और क्योंकि कार्यकर्ता जीप को रोक के खड़े हुए थे, मैं फिर दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरामैन अश्विनी हेलन दिखाएंगे कि किस ढंग से यहाँ पे पूरा एक्शन शुरू हो गया है। लाठी देखिए क्या भैया, ये कौन सी ताना शाही है? ये गलत है। कौन सी ताना शाही है? बहुत गलत। कौन सी ताना शाही है? योगी ने तो किया है। योगी लाठी चार्ज हुआ है, जो कार्यकर्ता गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे।
ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जहां आप देख सकते हैं दौड़ा लिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश पुलिस ने, क्योंकि राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों हाथरस जाना चाहते थे। दोनों ने ये तक कहा यूपी पुलिस से कि अकेले राहुल गांधी पैदल चले जाएंगे, उनको जाने की अनुमति दी जाए अगर धारा 144 का उल्लंघन होता है साथ जाने से कई लोगों के, लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी। ये कहते हुए कि जिला प्रशासन हाथरस ने उनसे कहा है कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है किसी नेता के आने से, जिले की सीमाओं में किसी को एंटर नहीं करने दिया जा सकता, लिहाजा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और दोनों को वहां से पुलिस जीप में बैठा कर ले जाया गया है।